सारे दुखों का इलाज मन का जागना है। जदों मन जाग पिया तो दुख तो है ही कोई नहीं, उस थान से सारा सुपना टुट गया। उन्हें कहते ने ज्ञान की अवस्था, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, उत्थे ज्ञान की अग बल पई। जिवें भगत जी ने कहा कि नरपत एक सिंघासन सोया सुपने भया भिखारी। हुण सिंघासन ते एक बादशाह सौ गया ते सुपने विच भीख मंगन लग पिया गलियां विच, चाहुंदा मेरा सुपना टुट जाए। हुण उह भिखारी तो बादशाह किवें बन सकदा है सुपना टुटण दे नाल? जिन्ना चिर सुपना चलेगा हाथ विच भांडा फड़ के भिखारी बन के मंगी जाएगा गली विच। रविदास जी का शब्द है, नरपत एक सिंघासन सोया, एक राजा सिंघासन दे उत्ते बैठा होया सी, सभा लगी हुई सी, सभा दे विच सौ गया ते सुपना आया भिखारी बन के गलियां विच मंगदा है भीख। सुपने पया भिखारी अछत राज, अछत दे अर्थ ने हुंदिया सुंदिया सब कुछ कोल सी। इस वक्त भी साढ़े कोल सब कुछ है जो कुछ गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया है, सच्चाई है जो कुछ गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया है ना, भी ये आनंद है, ये सुख है, ये चढ़दी कला है, ये नानक भगतां सदा विगास है, ये परमात्मा दे दर्शन हन, ये साक्षात्कार है, ये मन दा कमल खिड़ गया, की है सारा कुछ। गुरु साहिब कहिंदे हुणे तेरे कोल है तेरे कोल, पर तू सुता होया। जिन्ना चिर तू जागदा नहीं कोल हुंदिया भी उहनूं वेख नहीं सकदा। तां अछत राज हुंदिया सुंदिया विछड़त उहदे तों विछड़ गया, दुख पाया, इस तरह वह दुखी हो गया। सो गत पई हमारी, ओ ही अवस्था साड़ी बनी हुई है कि साढ़े कोल वो सब कुछ है जो जिंदगी का बड़ा वड्डा आनंद है, पर कोल हुंदिया भी असी उहदे तक नहीं पहुंच सके क्योंकि असी सुते हुए हैं अज्ञान विच। नींद आई हुई बड़ी गहरी।